हेलो प्रेमी जनों, भक्त जनों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको गीता का सार सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होता है न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान ही चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है, वहीं रहेगा। फिर विचार करो कि तुम क्यों हो। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल, ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करे।